ಬೋಳಿ.
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुन कर निकले हैं इस देश ने दिया बढ़ाना है बोलो साथ हमारे कौन चले।
ही बाट चालना थांबणार, अरे बघतो कोण अडवणार. आभास हा विश्वास हा लोक मनाचा त्यास हा होणार कधी ना वेगळे हातात हात जे घेतले आभास दिला जो मनाने साद घातली या देशाने. Thank you.
शासन मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया आवाज है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा, चली झाँको रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का देश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ी रहा मेरा देश है। नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन पानी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे, प्यार भरी भरी पानी में, महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से बचा लड़ाएंगे, लड़ाएंगे।
ਬਾਟ ਤੇ ਸੋਹੀ ਬਾਟ ਚਾਲ ਨਾ ਥਾਂਬਣਾ ਹਰੇ ਭਗਤੋਂ ਕੋਣ ਅੜਵਣਾ ਆਭਾਸ ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾ ਲੋਕ ਮਨਾ ਚਾ ਧਿਆਸ ਹਾ ਹੋਣਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਗੜੇ ਹਾ ਦਾਤ ਹਾਤ ਜੇ ਘੇਤਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲਾਂ ਜੋ ਮਨਾ ਦੇ ਸਾਧ ਘਾਤ ਲੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ ਮੁਚਾ ਸੰਗੇ ਕੋੜ ਏਣਾਰ ਬੋਲਾ ਮੁਚਾ ਸੰਗੇ ਏਣਾਰ ਦਾ ਮਾਜ਼ੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਉ ਮਿਲੇ ਪੁਛਾ ਪਾਗਲਾ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਭੂਮੀ ਪਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਂਦੇਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਨੇ ਵਿੜ ਲਿਆ ਰੀਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਤ ਕਰੂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸ਼ਿਦੋਰ ਹੱਥ ਕਰੂ ਚਾ ਸੰਗੇ ਕੋਣੀਏ
पसंद मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया झुका के मानेंगे बेरोजगारी से
ते सोही बाट चालना थांबणा अरे भक्त कोण अडवणार आभास हा विश्वास हा लोक मनाचा त्यास हा होणार कधी ना वेगळे हातात हात जे घेतले आवाज दिला जो मना दे साध घातली आदेशाने जा संगे कोण येणार बोला मुझा संगे कोण येणार बोला मुझा संगे येणार ना माझ हे एक पाऊल मिळे तुझ्या पावला सोबतीने एक होई देश आपला सोबतीने निघाली हो निघाली।
शासन मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया
ਮਦ ਸੋਹੀ ਆਜ ਸਾਲ ਨਾ ਥਾਂਬਣਾ ਹਰ ਭਗਤੋਂ ਕੋਣ ਅੜਵਣਾ ਆਭਾਸ ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾ ਲੋਕ ਮਨਾ ਚਾ ਧਿਆਸ ਹਾ ਹੋਣਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਗੜੇ ਹਾਥਾਂ ਹੱਥ ਜੇ ਖੇਤਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲਾ ਜੋ ਮਨਾ ਦੇ ਸਾਧ ਗਾਤ ਲੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ
सब मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है हम तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश नदी झुका के मानेंगे बेरोजगारी से
ਬਾਦ ਸੋਹੀ ਬਾਟ ਚਾਲ ਨਾ ਥਾਂਬਣਾ ਅਰੇ ਭਗਤੋਂ ਕੌਣ ਅੜਵਣਾ ਆਭਾਸ ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾ ਲੋਕ ਮਨਾ ਚਾ ਕਿਆਸ ਹਾ ਹੋਣਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਗੜੇ ਹਾਥਾਤ ਹਾਥ ਜੇ ਘੇਤਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲਾ ਜੋ ਮਨਾ ਦੇ ਸਾਧ ਘਾਤ ਲਿਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ ਮੁਚਾ ਸੰਗੇ ਕੋਣ ਏਣਾਰ ਬੋਲਾ ਮੁਚਾ ਸੰਗੇ ਏਣਾਰ ਨਾ ਮਾਸੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਊ ਮਿਲੇ ਤੁਝਾ ਪਾਗਲਾ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਈ
दर्शन मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया
असो वादळ वाऱ्यांचा काळ असो कठीण कितीही वाट दिसो ही वाट चालना थांबणार अरे बघतो कोण अडवणार आभास हा विश्वास हा लोक मनाचा ध्यास हा होणार कधी ना वेगळे हातात हात जे घेतले आवाज दिला जो मनाने साध घातली संगे येणार ना
हाय, आई एम सुशांत। आप लोगों ने एज एन एक्टर मेरा काम देखा होगा। जहां भी मुझे लगता है लोग देश और समाज की भलाई की बात कर रहे हैं, आई फील इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू गो एंड स्टैंड देयर एंड सपोर्ट दोस पीपल, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। नफरत है तो हर कोई बांट सकता है यार, तो ऐसे टाइम में बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर कोई प्रेम की बात कर रहा है तो उसके साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। हमारी इंडस्ट्री ने तो अच्छे अच्छे गाने दिए, उस समय बड़े कॉर्नी लगते थे ये गाने, बट आज देखता हूँ तो इतने खूबसूरत लगते हैं कि आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी थोड़ो लालच का खंजर फेंको। अंग्रेजी में एक वो कहावत है ना, पहले लोग आपका विरोध करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे और अंत में आपके साथ शामिल हो जाएंगे। आई थिंक इंडियन पॉलिटिक्स में राहुल उसका जीता जागता उदाहरण है। उसका जितना मजाक उड़ाया गया, जितना माहौल उड़ाया गया, कभी परिवार को लेकर, माँ के नाम को लेकर, पर वो बंदा टूटा नहीं, वो चलता रहा और आज वो आदमी लोगों को जोड़ रहा है। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। सारी संस्थाएं मर जाएंगी अगर ये हालात रहे। इस वजह से मैं इस यात्रा में आने वाली बात की, इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, ये मैसेज लेकर मैं चला हूँ। सवाल है सब लोग कैसे जुड़े इस देश को, जो गुलदस्ता बना हुआ है इसको जोड़ के रखना है तो इसको कैसे जोड़े। तो इस यात्रा से होगा क्या, बहुत सी यात्राएं निकलेंगी और एक जागरूकता का अभियान चलेगा, इसलिए शुरुआत है, बड़ी अच्छी बात है। इसमें तालाब में तेज हवाएं चलती हैं, जैसे मान लो इधर हवा यूं चल रही है ना, तो सारा गंद इस कोने पे इकट्ठा हो जाएगा और बाकी सब जगह साफ पानी हो जाएगा। आप समझे, तो इसमें मैंने बहुत कुछ कह दिया और उस गंद को हटाने में तो सुविधा रहे। My name is Niranjan Takle. I was an investigative journalist. I have recently released my book titled Who Killed Judge Loya. That was my last investigative story. So I wanted to present a copy of my book to Rahul ji, and today I got an opportunity. It was a great experience talking to him. He was very inquisitive. He wanted to know every single detail about that particular case, how the entire investigation had gone about. I am personally extremely hopeful towards this Bharat Jodo Yatra, because my education, I am an engineer, but I became a journalist with a purpose, and the purpose was to tell the truth and shame the devil. And I thought that Bharat Jodo Yatra was helping people in finding that kind of courage to speak out the truth, and it will connect people with each other instead of making them stand against each other. प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई तो चोर बन जाएंगे। कैसे बनेगा अगर सब पुलिस में भर्ती हो गए, तो बचेगा ही नहीं चोर को चोरी करने के लिए, तो फिर पुलिस वाले वो काम ही नहीं बचेगा। तो कोई चोरी करेगा। अच्छा, ये टॉपिक कैसी है? अच्छी है। कौन चाहिए? क्यों खाती नहीं हो? तो फिर मुंह में क्या डाल दिया आपने? खाना पड़ा। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब सब लोग आए हुए, क्या तमाशा हो रहा है? आपको काम तो नहीं कर रहे हैं? और मामा पापा क्या करते हैं? क्या आपके भाई बहन? कितने भाई है? बड़ा है? हाँ, थोड़ा बड़ा है और एक छोटा। पढ़ाई करता है आपकी? वही करता है, मेरे से करता है।
क्या क्या करते हैं? वो मैं साइकिल खेल रही, कपड़े कर रहे, वो कर रहे, तो ऐसा भी कर देते हैं। और फिर मम्मा पापा ने उसको डांटा? डांटते नहीं, मेरे को ही डांटते हैं। उसको नहीं उनको नहीं डांटते कि उसको भी नहीं डांटते? मेरे से भी वो प्यार है पापा। आप प्यारी हो वो आपको पता नहीं है। क्या नाम था उसका? रॉक्सी। उसे आपने दोस्ती नहीं की? आप डराती होगी उसको? डराती थी? नहीं, कोई मुझको डराता। कैसे आपको कैसे डरा देगा? वो बहुत ये करता था। तो फिर आपने भी कर देना था। क्या करता था दिखाओ? बहुत। तो फिर क्या करती थी? उसको हमने बांध दिया था उधर। बेचारे को बांध दिया इसलिए गुस्सा हो रहा था। अब आप मुझे बांध दोगे तो मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा। आपको बांध दिया गया तो आप भी गुस्सा हो। सुबह से मैंने खाना नहीं खाया। आप इधर आए ना। आप मुझे बताया कि आप मुझे खाना नहीं देना चाहते। बताया है मुझे, मुझे कहा है कि तुम जाके बात करो नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। शर्ट बदल दूं मैं, गंदी हो गई। हाँ एक सेकंड। मेरा नाम सम्राट केसरी जेना है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। हाथ जोड़ के सारे भारतवासियों से कि हमें झूठ मूठ के राजनीति में नहीं आना है, हमें प्यार मोहब्बत के राजनीति में आना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना महंगाई बढ़ रहा है, महिलाओं को कितना परेशान हो रहा है, हम लोगों को कितना परेशान, 100 के ऊपर चला गया पेट्रोल, और उसमें किसको नुकसान हो रहा है? आम आदमी को नुकसान हो रहा है, इस देश को नुकसान हो रहा है। इस यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है, और जो आज हिंदुस्तान में नफरत, क्रोध और हिंसा फैलाई जा रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने का है। हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और जो राहुल जी बोलते हैं सच बोलना पड़ेगा, प्यार बढ़ाना पड़ेगा, नफरत छोड़ना पड़ेगा। डरो मत, आगे बढ़ो। राहुल जी साथ में, कांग्रेस पार्टी साथ में, हम लोग सब मिलके इस देश को बनाएंगे और इस देश को उन्नति के राह पे लेके जाएंगे। The father of IT revolution is Rajiv Gandhi ji. During the time of 2004, during the Congress government was been there, they have been introduced free education system here. I'm from a farmer background. So with that, I got an opportunity to study. Rahul ji came wholeheartedly to stand with us. In the Western countries, if someone loses job, the government supports them for a year or so. Even we have requested our Rahul Gandhi ji to implement this kind of structure, because after COVID, there was serious unemployment and even some families committed suicide. We have requested Rahul Gandhi ji, like when Congress is going to come into power, they should get help during the time of unemployment. I request everyone, as a human being or a citizen of this country, politics chhod do, everything chhod do, just join as a common person, you'll feel the betterness of this yatra. They discussed issues regarding Grameen banks, particularly strengthening of rural credit and extending of banking services under public sector. So 40 crore customers are benefited by this Grameen Bank, sir. With 22,500 branches, it is a very big rural banking network. Now they are proposing privatization. We are opposing. Rather, we are demanding formation of national rural bank. When a bank, say, like Grameen, gets privatized, yes, sir. How many of the people who are working will lose their job? The job is only question of 150,000, but 40 crore customers will, the priority sector people are there, all 40 crore. Rural poor. Yeah. They are 90% of the branches in rural areas. Thereby, it will the objective of the RRBs will be diluted, and the RRBs, the thrust, the focus of the rural areas will be diluted. Once a private shareholder comes into the bank, they will close down most of the branches. The services to the rural poor and downtrodden will be affected. They need to be protected under public sector, so they are in profit as a whole. The process of privatization has started? Started. Just now, up to 49% the provision has been made. We are very happy
some national level political leader is taking an initiative to join all the people, all section of the people. We want the unity of all the people. My name is Tarun Chauhan. This is my daughter Akanksha. I'm a barrister. I specialize in criminal defense and I currently live in Canada. We've come to Hyderabad to participate in the Bharat Jodo Yatra and see the whole energy in the Indian political system. Because of the economic slowdown, there's a lot of issues going on. And one of the big issues that we've had was a big assault on a farm by a bunch of people, which has never happened before. So I explained the whole thing to him. And I said it's a clear indication of an economic distress where people are now stealing to survive. We spoke to Mr. Gandhi about what an amazing thing he's doing for the country. He's bringing us all together, and the unity that you see here, the euphoria, is something that I've never seen in my life. It's a historical event, and I think everyone needs to come and experience this moment with Mr. Gandhi. I keep telling people that when you make an opinion about Rahul Gandhi, you make an opinion based on when you meet him, not based on what you read in the media. He's a very, very nice human being. I think he's going to change a lot of things in Telangana, because the energy the cadre is going to get is fantastic. And when a leader like Rahul Gandhi walks, he makes a lot of people feel good about it. One thing that I thought was amazing about him is that even though he was walking with so many people around him, he had his eye on every single person. And I think that's a true mark of a great leader. Hopefully, this walk of Mr. Gandhi gives hope to everyone and we see a bright future. My name is Sheikh Salahuddin. I am Telangana State Taxi and Driver Joint Action Committee and Telangana Geek and Platform Workers Union. I represent Ola, Uber, के अंदर हमारे जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो हमने राहुल जी को आज बताया। तो ओला उबर जो है ना सर, अभी तक कानून 9 साल 10 साल हो गए, अभी तक इसके ऊपर कानून लागू नहीं हुआ। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस और सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया नाम के लिए, मगर इंप्लीमेंटेशन उनके ये स्टेट लेवल है ना, तेलंगाना करता है। सेंट्रल लेवल भी है, स्टेट लेवल। इसमें सेंट्रल लेवल क्या है और स्टेट लेवल क्या है? मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस केंद्र सरकार निकाली। इसमें गडकरी जी है क्या? कौन है गडकरी जी? उससे बात करें जी, जितने भी डिलीवरी वर्कर्स हैं, ड्राइवर्स हैं ओला उबर के, उन लोगों को कुछ भी उसके अंदर प्रोविजन नहीं है सर। ईएसआई नहीं मिलता, पीएफ नहीं मिलता। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हमारे वर्कर्स के भी जो प्रॉब्लम्स है, हमारे इश्यूज है, वो सारे इश्यूज को भी जोड़ने का काम किया। राष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार हमारी बात सुनने के लिए नहीं है सर। सर, आपसे हम चाह रहे कि कानून बनाए हमारे लिए, जैसा कि कानून बनाए तो हमारे लिए कानून के अंदर ये एग्रीगेटर कंपनी साथ है। और वहाँ से बहुत सारा आउटपुट भी हमारे को मिला, एक कॉन्फिडेंट मिला, तो उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि हम ज़रूर कानून बनाएंगे। हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं अगले आने वाले दिनों में हम आपकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे।
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया
वादळ वाऱ्यांचा काळ असो कठीण कितीही वाट दिसो ही वाट चालना थांबणार अरे बघतो कोण अडवणार आभास हा विश्वास हा लोक मनाचा ध्यास हा होणार कधी ना वेगळे हातात हात जे घेतले आवाज दिला जो मनाने साथ घातली या देशाने कोणी
जाने बोला मुझा संगे कोड़ ये नान बोला मुझा संगे कोड़ ये नान बोला मुझा संगे ये नार ना माज़ो है एक पाऊँ मिले तुझा पागला सोबती ने एक होई देश आपुला सोबती ने एक होई देश आपुला निकाली हो निकाली भारत जोड़ो यात्रा निकाली निकाली हो निकाली भारत जोड़ो यात्रा निकाली पावन भूमि पर सुख शांति नांदेल इथे प्रेमाने विडल्या रीतीन भर महागाई चवर्ती मात करू मात करू बेरोजगारी शी दोन हात करू हात करू ए प्रगती ची आस ठेवूया सद्भावने ची कास धरूया निकाली हो निकाली
सम्मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया बेरोजगारी से
असो कठिन किती ही बाट दिसो ही बाट चालना थांबणार अरे भक्तो कोण अडवणार आभास हा विश्वास हा लोक मनाचा ध्यास हा होणार कधी ना वेगळे हातात हात जे घेतले आवाज दिला जो मनाने साध घातली आदेशाने
पसंद मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ